नमस्कार दोस्तों, आज 14 नवंबर के दिन मैं चाहूँगा आप अपने बच्चों को द रियल एजुकेशन प्रोवाइड करें। जब मैं रियल एजुकेशन की बात करता हूँ तो द रियल एजुकेशन लाइज इन मैनेजिंग देयर ओन मनी, कैसे वो अपने पैसे को मैनेज करते हैं। हम अपने बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज रटवा देते हैं, हम अपने बच्चों को हिस्ट्री रटवा देते हैं, हम अपने बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन हम वो चीज़ नहीं पढ़ाते जो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ हाउ टू मैनेज देयर ओन मनी, राइट। सो अगर हम कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करें तो हम अपने बच्चों को करेक्ट सेविंग्स, इन्वेस्टिंग, मैनेजिंग देयर ओन मनी, ये कंसेप्ट हम समझा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, गिव देम द पॉकेट मनी। हमारे इंडिया में पॉकेट मनी का कंसेप्ट ज़्यादा फ्लरिश नहीं हुआ है, ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को पॉकेट मनी दें। अमाउंट में डिपेंड ऑन योर कम्फर्ट लेवल। आप उन्हें 100 रुपये दे सकते हैं, आप उन्हें 500 रुपये दे सकते हैं, आप उन्हें 1000 रुपये दे सकते हैं। एंड टेल देम दैट वट एवर एक्सपेंस दे आर डूइंग थ्रू आउट द मंथ, वो उन्हें उस पर्टिकुलर पॉकेट मनी से ही करना पड़ेंगे, उससे ज़्यादा उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। बाई डूइंग दिस यू विल बी टीचिंग योर चाइल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेंडिंग बेस्ड ऑन मेरिट। सेकेंड चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, एंड इन 2022 मैं हमेशा चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के लिए एक बैंक अकाउंट खोलें और उसमें जो पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो अपने बच्चों के थ्रू आप करवाइए। आप अपने बच्चों को बोलिए कि ये रहा पॉकेट मनी, इसका ये सर्टेन परसेंटेज आप निर्धारित कर दीजिए, 10, 20, 30, इट डिपेंड्स, वो परसेंटेज तुम्हें बैंक अकाउंट में तुम्हारे रखना है। बाय दिस दे विल बी नोइंग हाउ अ बैंक ऑपरेट्स, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग्स, राइट। तीसरी चीज़, जब भी पैसों की बात हो, देखिए कुछ बहुत ही अपर लेवल मनी टैक्स होती हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदते वक्त बोलें या कोई नए आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों में शायद जूनियर लेवल पे नहीं सही, बट जैसे जैसे आपका बच्चा क्लास 8th, 10th ऑनवर्ड्स वो रीच करता है, आप उनसे बात कीजिए कि बेटा और बेटी, हुएवर इट इज़, मैंने यहाँ यहाँ इन्वेस्ट किए हैं तुम्हारे लिए, एंड टेल देम आपने क्यों इन्वेस्ट किए हैं उस जगह पे। टेल देम कि आपने ऐसे प्लान किया है उस इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इस एक चीज़ आप समझिए, उनके लिए आप उनके हीरो हैं, एंड वी यूजुअली कॉपी आर हीरोज। सो अगर आप एक अच्छे प्लान्ड वे में अपने इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स करेंगे तो डेफिनेटली वो भी सीखेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग एज वेल एज सेविंग्स, राइट। आप उनके साथ काफ़ी फाइनेंस बेस्ड गेम्स खेल सकते हैं। आज की जनरेशन गेम्स से चीज़ें बहुत इजीली सीखती हैं, तो आप उनके साथ फाइनेंशियल गेम्स खेल सकते हैं जिससे कि उन्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। आप उन्हें टास्क दे सकते हैं हर हफ्ते कि लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि व्हाट इज़ SIP। इस हफ्ते का काम है कि SIP क्या है उसके बारे में तुम्हें पढ़ना है, एंड वीकेंड में लेट्स से संडे को तुम्हें बताना है कि SIP क्या होता है, राइट। अगर हम इस चीज़ को कंटिन्यूसली करेंगे तो डेफिनेटली ओवर द कोर्स ऑफ 1 or 2 years योर चाइल्ड विल डेफिनेटली गेट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल एजुकेशन होती है अगर हम उन्हें प्रैक्टिकली सिखाए हाउ टू मैनेज मनी, हाउ टू सेव मनी, राइट। उन्हें भी समझना चाहिए कि कैसे क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स होती हैं किसी भी चीज़ की, राइट। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टीच योर चाइल्ड फाइनेंशियल एजुकेशन,
टीच योर चाइल्ड हाउ टू मैनेज मनी, टीच योर चाइल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, एंड आई एम श्योर ही विल एक्सेल इन हिज लाइफ व्हाटएवर प्रोफेशन ही चूजेस. थैंक यू सो मच.